मध्य प्रदेश के बहुचर्चित इंदौर गोलीकांड के मामले में आज इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इंदौर एसपी पश्चिम आशुतोष बागरी ने बताया, सोमवार को विजयनगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट ऑफिस में शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में आरोपियों ने शराब ठेकेदार अर्जुन ठाकुर को गोली मारी थी, जिसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को भोपाल बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोशल मीडिया पर दोनों आरोपियों के सरेंडर की बात को इंदौर पुलिस ने सिर से नकार दिया है। वहीं इस पूरी घटना में तीसरा नामजद आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी फरार है। सोमवार को इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में स्थित शराब कारोबारियों के सिंडिकेट ऑफिस में शराब कारोबारी अर्जुन ठाकुर को गोली मार दी गई थी। पुलिस के अनुसार घटना दोपहर 3:30 के आसपास थी। इसके बाद घायल अर्जुन ठाकुर इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद तीनों नामजद आरोपी मौके से भाग खड़े हुए थे और पुलिस टीम ने उनका पीछा भी किया था, लेकिन आरोपी फरार हो गए थे। देखिए, परसों एक घटना हुई थी जिसमें कि 3:30 के करीब विजयनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शराब ठेकेदारों के सिंडिकेट के ऑफिस में गोली चली थी। उसमें अर्जुन ठाकुर घायल हुए थे। घायल होने के बाद इनको राष्ट्रीय अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर थी, बाहर है, और इसके बाद इस पर कायमी की गई। इसमें मुख्य रूप से चिंटू ठाकुर, हेमू ठाकुर, सतीश भाऊ और कुछ अन्य लोग इसमें आरोपी थे। मौके से घटना के जो फुटेज हैं, जहां पे मीटिंग चल रही थी हॉल में, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका डीवीआर पुलिस ने जब्त किया है और उसमें सारी घटना पूरी कैद है कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से हुआ। इसके बाद पुलिस ने सरगर्मी से तलाश की आरोपियों की। कई जगह पे टीमें भेजी गई, उज्जैन, जयपुर और देवास। जहां भी पुलिस को सूचना लगी, पुलिस ने अपनी टीमें रवाना करी। इस पूरे केस को आईजी सर और डीआईजी सर पर्सनली सुपरवाइज कर रहे थे और आज जो है पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भोपाल बाईपास से दो आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें से सतीश भाऊ, ये यहां का नामी गुंडा है, और चिंटू ठाकुर, इन दोनों को पुलिस ने राउंड अप किया है और इनसे जो है पूछताछ चल रही है। एसपी पूर्व इंदौर आशुतोष बागरी ने बताया कि घटना के बाद सिंडिकेट दफ्तर में तोड़फोड़ मचाने वाले 5 आरोपियों को भी पुलिस ने राउंडअप किया है। वहीं उन्होंने बताया कि आरोपी गैंगस्टर सतीश भाऊ, चिंटू ठाकुर और हेमू ठाकुर की तलाश में 2 दिन पुलिस ने देवास, उज्जैन और जयपुर में भी सर्चिंग और आखिरकार आरोपी सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को पुलिस ने भोपाल बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस के मुताबिक आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। वहीं पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल की डीवीआर को जब्त कर लिया है और एसपी आशुतोष बागरी ने भरोसा दिलाया कि पूरी घटना के रिकॉर्डिंग पुलिस के पास मौजूद है। घायल के आवेदन बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि नामजद आरोपियों के अलावा जिन लोगों के भी नाम सामने आए हैं, उन पर अपराध कायम NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो है ऑलरेडी कल ही हम जो है NSA इसका तैयार करवा चुके हैं, इसमें आरोपियों का। और ये भी हम कह रहे हैं कि इसमें जितने आरोपी बनेंगे, जिनकी भी इसमें भूमिका आएगी, उन सभी के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी। इनके संपत्ति का पता लगाने के लिए कि इनके पास जो संपत्ति है, चाहे सतीश बाबू हो, चाहे वो चिंटू ठाकुर हो, चाहे वो हेमू ठाकुर हो या कि अन्य लोग हैं,
जो कि इसमें आरोपी अभी बनने हैं, उनकी संपत्ति का विवरण पुलिस खंगाल रही है और तीन का पुलिस ऑलरेडी नगर निगम को भेज चुकी है। नगर निगम ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, नगर निगम उसमें वेरीफाई कर रहा है। यदि ये पाया जाता है कि उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन किए हैं अवैधानिक तरीके से, नियमविरुद्ध तरीके से किए हैं, तो नगर निगम इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, नगर निगम इसमें कार्रवाई करेगा। पुलिस ने निगम को भी आरोपियों के अवैध निर्माण को लेकर जानकारी सौंपी है ताकि निगम अपने स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर सके। फिलहाल पूरे मामले में गैंगस्टर सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को पुलिस गिरफ्त में है, वहीं फरार आरोपी हेमू ठाकुर की तलाश जारी है। वहीं सिंडिकेट दफ्तर पर पथराव करने वाले आरोपियों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी।